नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे नक्षत्रों के क्लासिफिकेशन के सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला विषय है नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन उनके गुणों के आधार पर। हमारे अध्यात्म में तीन प्रकार के गुण के ऊपर चर्चा किया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। यह तीन प्रकार के गुण होते हैं और इन्हीं तीन प्रकार के नव ग्रह भी होते हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति सतोगुणी ग्रह माने गए हैं। उसी प्रकार बुध और शुक्र ग्रह एक रजोगुणी प्लैनेट हैं और मंगल, शनि, राहु तथा केतु ग्रह तमोगुणी ग्रह माने जाते हैं। यह सभी आचार्यों का मत है। अब जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, अर्थात कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं। और जिस भी गुण का कोई प्लैनेट होता है, उसके सभी नक्षत्र भी उसी गुण के होते हैं। जैसे सूर्य को सतोगुणी ग्रह माना गया है और सूर्य के कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यह 3 नक्षत्र माने गए हैं, तो यह तीनों ही नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र माना जाएगा। उसी प्रकार चंद्रमा और बृहस्पति भी सतोगुणी प्लैनेट हैं, तो चंद्रमा के जो भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र, यह तीनों नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र हो जाएंगे। उसी प्रकार बृहस्पति के भी यह 3 नक्षत्र सतोगुणी हो जाते हैं, पुनर्वसु, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद, तो यह 9 नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र माने गए हैं। अर्थात बेसिक कंसेप्ट यही है कि जिस भी गुण का कोई प्लैनेट होगा, उसी गुण के उसके नक्षत्र होते हैं। अब हम सभी गुणों को इंडिविजुअली समझते हैं कि सतोगुणी नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं तथा उसका क्या फल जातक को प्राप्त होता है। सतोगुणी नक्षत्र में कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरफाल्गुनी, हस्त, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण एवं पूर्व भाद्रपद, यह 9 नक्षत्र होते हैं। यह 9 के 9 नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र माने गए हैं और इस सतोगुणी नक्षत्र में जन्मा जातक ईश्वर भक्त, निर्मल हृदय वाला, सत्य वक्ता, ईमानदार, क्षमावान, दयालु, निष्कपट, धैर्यवान, निस्वार्थी, परोपकारी, सत्कर्मी एवं संतोषी होता है। अर्थात कि जिस प्रकार का नक्षत्र होगा, उसी प्रकार के उसके गुण और स्वभाव माने जाते हैं। रजोगुणी नक्षत्र में बात करें तो बुध और शुक्र ग्रह रजोगुणी ग्रह माने गए हैं और इनके 6 नक्षत्र रजोगुणी नक्षत्र माने जाते हैं, जो कि है भरणी, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और रेवती नक्षत्र। यह 6 नक्षत्र रजोगुणी नक्षत्र होते हैं और इस रजोगुणी नक्षत्र में जन्मा जातक सुर असुर दोनों गुण वाला होता है। अर्थात कि इनके अंदर सतोगुणी नक्षत्र और तमोगुणी नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। इन दोनों नक्षत्रों के जो फल हैं, उसके मिश्रित फल इन्हें प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक को अपना फल समझने के लिए आप सतोगुणी नक्षत्र और तमोगुणी नक्षत्र दोनों के ही फल को आप समझें, और इन दोनों फल को आप जब समावेश करेंगे तो आप अपने फल तक पहुँच सकते हैं। तमोगुणी नक्षत्र में मंगल, शनि, राहु और केतु, यह 4 ग्रह तमोगुणी ग्रह माने गए हैं और इन्हीं 4 ग्रहों के जो 12 नक्षत्र हैं, यह सभी 12 नक्षत्र तमोगुणी नक्षत्र माने जाते हैं। अर्थात अश्विनी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, मघा, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, धनिष्ठा, सतभीषा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यह 12 नक्षत्र तमोगुणी नक्षत्र होते हैं। तमोगुणी नक्षत्र वाले जातक, जिनका भी जन्म तमोगुणी नक्षत्र में होता है, ऐसे जातक थोड़े से स्वभाव में आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। अब मैं यहाँ पर आसुरी वृत्ति बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर राक्षस नहीं समझना है, एक संत व्यक्ति होता है और एक उसका जस्ट अपोजिट थोड़ा आसुरी वृत्ति होता है। संत व्यक्ति बड़ा भोला भाला, सीधा साधा और अपने कार्य को आराम से और सटीकता से करने वाला होता है, पर जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं वो काफ़ी चलाक, चतुर, चीज़ों को बड़ा सोच समझकर करने वाले, अपने फायदे को देखने वाले, इस प्रकार के होते हैं। तो आपको डायरेक्ट राक्षस का इमेजिनेशन नहीं कर लेना है, आसुरी वृत्ति को समझना है कि क्या होता है आसुरी वृत्ति,
और इन चीज़ों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है मैं कहूँगा। यदि आप उसे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं आपको काफ़ी चीज़ों का, अध्यात्म के काफ़ी माइन्यूट चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी व्यक्ति को जानने के लिए। तो हम बात कर रहे थे तमोगुणी नक्षत्र के फल के ऊपर। तो ऐसे जातक का स्वभाव थोड़ा आसुरी वृत्ति वाला होता है। ऐसे जातक बुद्धि से चालाक, चतुर और नीतज्ञ होते हैं, अर्थात इनके अंदर सदैव किसी न किसी प्रकार का नीति बनता रहता है। ऐसे जातक दूसरों को ठगने व कष्ट पहुंचाने में हिचकते नहीं हैं। तो दोस्तों यह था मेरा विश्लेषण यह 3 गुण वाले नक्षत्र के ऊपर। अगर 27 नक्षत्रों को हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में विभाजित करेंगे तो उसका किस प्रकार फल बनता है और कौन कौन सा नक्षत्र प्रत्येक गुण में है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। दोस्तों आज के लोकाचार में कुछ विद्वानों का मत है कि बुध एक सतोगुणी ग्रह है और सूर्य और चंद्रमा राजसी ग्रह होते हैं। इसी आधार पर वे बुध के 3 नक्षत्र को सतोगुणी श्रेणी में डालते हैं और सूर्य और चंद्रमा के 6 नक्षत्र को ये रजोगुणी श्रेणी में डालते हैं। पर मैं आपको बतला दूं, फल दीपिका तथा चमत्कार चिंतामणि जैसे उत्तम ग्रंथों में सूर्य व चंद्रमा को सतोगुणी ग्रह माना गया है और बुध ग्रह को एक राजसी ग्रह माना गया है। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन उनके स्वभाव के आधार पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।